Find the number of degree, minutes and second in the angle at the center of a circle whose radius is 5 meter and which subtended arc length of 6 meter. ठीक है, arc length यहाँ पे 6 meter है, radius क्या है 5 meter. ठीक है, यहाँ अगर अपन देखेंगे तो radius क्या है यहाँ पे 5 meter और arc length अगर अपन देखें तो ठीक है, तो arc length क्या given है यहाँ पे, arc length यहाँ पे given है, arc length इसका सूत्र given है 6 meter. और आर्क लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ होता है आर थीटा. ठीक है, आर्क लेंथ होता है रेडियस इनटू थीटा, और थीटा क्या होता है यहां पे, थीटा को अपन रेडियन में पुट करते हैं. ठीक है, आर्क लेंथ के जो फॉर्मूला होता है वो आर इनटू थीटा होता है, और थीटा क्या होता है यहां पे रेडियन में दिया जाएगा 6 मीटर. यहां से अगर अपन देखें तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 6 अपॉन में आर व्हिच इज इक्वल्स टू 6 अपॉन में क्या आ जाएगा, आर्क वैल्यू 5, और ये क्या आ गया, ये रेडियन में आ गया. ठीक है, 6 अपॉन 5 रेडियन में जो थीटा आ गया, जो एंगल फॉर्म हो रहा है सेंटर पे, वो आ गया 6/5 रेडियन. ठीक है, अब इसको क्या करें, पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू अपन क्या लिखते हैं, अपन लिखते हैं पाई रेडियन इज इक्वल्स टू, फार्मूला होता है पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास, 1 रेडियन आ जाए यहां पे 180 अपॉन पाई डिग्री. ठीक है, तो 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है, 1 रेडियन की वैल्यू होती है 180 अपॉन पाई डिग्री. तो ये 6/5 रेडियन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/5 इनटू में 180 अपॉन में पाई डिग्री, ये इतना कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये बेसिकली अपने पास इसकी वैल्यू क्या आ गया, इसकी वैल्यू ये इतना डिग्री आ गया. अब एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं. ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 6/5 इनटू में 180 अपॉन पाई इनटू में 60, और ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये मिनट में आ जाएगा. ठीक है, तो मिनट को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, और एक मिनट में क्या होते हैं 60 सेकंड होते हैं, ये एंगल को अपन मेजर कर रहे हैं. तो ये आ गया अपने पास 6/5 इनटू में 180 अपॉन 5 इनटू में 60 और इनटू में 60, तो ये नंबर ऑफ सेकंड्स हो गए फॉर द एंगल. ठीक है, इतने सेकंड्स हो गए ये मिनट में, और ये डिग्री में इसके एंगल होगा, और ये जो होगा ये रेडियन में होगा. ठीक है, तो थीटा वैल्यू 6/5 रेडियन, या फिर 6/5 इनटू 180 अपॉन पाई डिग्री, या 6/5 इनटू 180 बाय पाई इनटू 60 मिनट, और ये क्या आ गया 60 इनटू 60 सेकंड, ये इसके लिए एंगल की वैल्यू हो गई.